मेरा ख्याल है कि मैं जो है ना, ये तो मेमोरेंडम ना भी होता ना तो बात मैं यही कहता जो मैं अभी कह रहा हूँ, और मैं अभी अपने टीवी प्रोग्राम में वी लॉग में यही कह के आ रहा हूँ कि ये शकील कलबी है, ये बेरहमी है। शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया है, परवेज लाई साहब को गिरफ्तार किया गया, यास्मी राजी साहब को गिरफ्तार किया गया। ये वो लोग हैं कि जो आप बेरहमी की हालत में कर सकते हैं कि जो जिनकी सेहत इजाज़त नहीं देती। और फिर सबसे बढ़ के अगेन ये मैंने कहा कि एक अबादुल फाखर फारूक है जिसके साथ ये हुआ कि बच्चा जो है यहाँ वो दम तोड़ के, उसमें मुझे पता नहीं था कि ये करते हैं नहीं करते। तो मैंने कहा अगर आपने इसको आपने इसको पैरोल पे रहा ना किया तो ये आप समझें कि आपके लिए एक पूरी एक मुंह जो ना एक धब्बा होगा आपके माथे पे कालक का, अगर आप ना किया तो अल्लाह करे कर दिया हो। और उसके बाद जो मुझे पता चल कि मुझे इतला आ गई थी, मुझे फिर किसी ने फ़ोन किया कि उसके बाद ही किसी टीवी प्रोग्राम के बाद कहते हैं वो घर पहुंच गए हैं। ये को आपने एक घंटा पहले उन्होंने मुझे कहा, डेढ़ घंटा पहले। सर आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर 2 से 3 हज़ार जो हैं वो पुलिस एहलकार सादा लिबास में मास्क वाले वो इस तरह का एक मंजर पेश कर दिया है, कर्फ्यू लग गया है, फ़लस्तीन है जैसे कश्मीर के अंदर जनाजे फ़लस्तीन के अंदर जनाजे होते हैं आज उस तरह का मंजर नज़र आ रहा है, क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है कि हमें उस पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, हमें ये तवज्जो देनी चाहिए कि हम जनाजा जो है लोग पढ़ें आराम से, वो आबाद आए और एक बड़ा स्थान है उनके साथ हुआ है। बाकी आप जब भी कहीं पे कट होगा, जहाँ कहीं भी होगा, तो ये मैं तो चूँकि 71 साल मेरी उम्र है, ये मैं बेशुमार दफ़ा देख चुका हूँ ये आते हैं। इसके बारे में जो सोशल मीडिया में वावेदा किया जा रहा है, इससे ये नहीं है नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे मौक़ों पर आप खाम खा कोई बंदा जो है ना आपको कहने के उनको पत्थर मार दे, कोई वो कर दे, इश्तियाल फैल जाए, तो एक ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल होती है। कौन किसी गेम खेल रहा है, कौन कैसे खेल जाता है, आप भी आप यही कह रहे हैं, यही मुझे बता रहे हैं ये बात कि जी जस्क्री टावर के ऊपर भी इन लोगों को कोई कसूर नहीं है, ना चौधरी इजाज का ना किसी का। बाकी भी तहरीक इंसाफ वाले को यही शिकायत है जी कि जो जना हाउस हुआ है तो ये बहुत से ऐसे लोग हमारे में घुस आए थे जो हमारे नहीं थे, तो यही इसका ख्याल आपको आज भी करना है। और तभी हाँ कोई आपने प्रोटेस्ट करना है तो उसके लिए फिर आप डट के करें, वो ये मौका नहीं है सर। क्या? तो उन्होंने वो जो करें, वो मेरा ख्याल है कि मैं तो इसको माइंड ना करूं, ये नहीं कि करना चाहिए, बाजार एक हरकत ऐसी है कि जो तबीयत पे नागवार गुजर रही है उनका खड़े होना, लेकिन जो जिस तरीके से एक लड़ाई है और जिस तरीके से एक पाकिस्तान के अंदर एक फिजा है दहशत की, तो उसके अंदर ये बातें छोटी रह जाती हैं। सर खौफ और डर से नताइज हासिल किए जा सकते हैं। दूसरा इस वक्त जो है काजी फाइज ईसा जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान आ चुके हैं, आपको उनसे कितनी उम्मीद है? वो आइन और कानून की हमेशा बात करते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के उन्होंने खिलाफ फैसले दिए हुए हैं, क्या कहें? अब आप बेटा ऐसी बातें कर रहे हैं जो मेरा ख्याल है कि कितने लोग होंगे जिनके ये इतने बड़ा हुआ है। बाकी मैं क्या कह सकता हूँ, फैमिली की जानिब से ये बताया गया था कि डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर ये बाप से मिल ले, थोड़ा बाप के साथ वक्त गुजारे, तो वो उस ट्रॉमा से निकल आएगा और ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, अगर बाप के साथ वक्त गुजारेगा तो रिकवर हो जाएगा। तो आप किस तरह से देखते हैं, क्या माजी में भी ऐसा होता रहा है पाकिस्तान में? इससे बदतर भी होता रहा और अल्लाह करे कि इससे बदतर ना हो जो आजकल हो रहा है। लेकिन जैसे आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हर बंदा देख रहा है कि क्या हो रहा है, तो ये जो घुटन बढ़ती जा रही है, आपको लगता है कि कल को आवाम का ज़्यादा इस पर एक्शन आएगा? बेटा अब मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ। आवाम का रिएक्शन तो ये है कि जो तहरीक इंसाफ के पास एक पॉलिटिकल सपोर्ट है तो वो आवाम का रिएक्शन ही है। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।